सो गाइस, फार्म हाउस का नाम सुनते सिद्ध का चेहरा सडनली डाउन क्यों हो चुका था, और आखिर ये औरत कौन है, इसका सिद्ध के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, और आखिर फार्म हाउस में वो कौन सा मिस्ट्री छुपा हुआ है जिसके वजह से सिद्ध वहां से जाने से अभी भी डरता है, कि वहां पे उसके माँ के डेथ से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है या फिर नहीं। इस सारे सवाल का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा की आशी जैसे ही इस वाले औरत से मिलती है तो ये औरत का थोड़ा सा अलग ही रोप होता है। मतलब एक लाइन में कहा जाए तो इसका लुक भी काफी ज्यादा डरावना होता है। सो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि इसका जो कनेक्शन है वो सिद्ध के माँ के डेथ से रिलेटेड कहीं न कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से आने वाले एपिसोड में जो ये औरत है वो अपने आइडेंटिटी को छुपाने की काफी ज्यादा कोशिश करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि उसका असलियत किसी को भी पता चले। और इसके बाद से आशी जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे एक मिस्टीरियस कमरा दिखाई देता है जो कि कई सालों से बंद पड़ा होता है। और मेरे ख्याल से इस चीज को देखने के बाद जो आशी है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस वाले कमरे के दरवाजे पे एक स्वास्तिक का निशान बना होता है। सो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर सिद्ध के माँ का आत्मा कैद हो और जिसके बारे में वनली सिद्ध को ही पता हो, और मेरे ख्याल से इसी वजह से सिद्ध वहाँ पे आने से अभी भी डरता है कि इस चीज से किसी को खतरा हो सकता है। ठीक है, एंड ऐसा हो सकता है कि सिद्ध का माँ का जो भी डेथ है वो किसी न किसी हादसे की वजह से ही हुआ हो, और इसी की वजह से अब वो बुरा आत्मा में तब्दील हो चुका है, ऐसा हो सकता है। बाकी यही सब स्टोरी है जो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाकी आज की इस वीडियो को भी पिन करते हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।